बहुत बहुत धन्यवाद विवेक दा। वैसे मैं बताना चाहूँगा TRD मेरा दिल है, क्योंकि मैंने पहला ही शो किया था TRD पे, लाइव का पहला शो, और उसमें मैंने एक बोला था, आप लोगों ने सुना होगा कि बदनाम शहर आजमगढ़ का निवासी हूँ, और वो काफ़ी अच्छी गई थी। पहले शुरुआत करते हैं जिस शहर से, उसके लिए कि जिसे पाने से मेरी कीमत बढ़ जाए, मेरे लिए तुम वो पत्थर पारस हो। कि जिसे पाने से मेरी कीमत बढ़ जाए, मेरे लिए तुम वो पत्थर पारस हो, और मैं जो मरूं मिलाया जाए मुझे पंचतत्वों में, यार वो मणिकर्णिका घाट बनारस हो। एक लिखी थी मैंने बहन पे कि जो चेहरे से हालात भाप ले वो बहन होती है, कि जो चेहरे से हालात भाप ले वो बहन होती है, कुछ कहने से पहले तुम्हारे ख्वाब जान ले वो बहन होती है, और क्या खाया कितना कमाया ये तो माँ बाप पूछते हैं, कि क्या खाया कितना कमाया ये तो माँ बाप पूछते हैं, जो आंखों से दिल का हाल जान ले वो बहन होती है। अरे शुक्रिया। एक सुनाना चाहूंगा, सर सुनिएगा इसको। अरे कि जो चेहरे से जेब के हालात भाप ले वो बहन होती है, जो कहने से पहले तुम्हारे ख्वाब जान ले वो बहन होती है, कि जो चेहरे से जेब के हालात भाप ले वो बहन होती है, कहने से पहले तुम्हारे ख्वाब जान ले वो बहन होती है, और क्या कमाया कितना खाया वो तो माँ बाप पूछते हैं, कि क्या खाया कितना कमाया वो तो माँ बाप पूछते हैं, जो आंखों से दिल का हाल जान ले वो बहन होती है। शुक्रिया। एक मैं सुनाना चाहूँगा कि सर आपके लिए ये सुनेगा, आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इसे, सुनेगा कि दिल को सुकून मिलता है जब बुजुर्गों का साथ होता है, कि दिल को सुकून मिलता है जब बुजुर्गों का साथ होता है, गांव की याद आती है जब छुट्टियों का बात होता है, कि दिल को सुकून मिलता है जब बुजुर्गों का साथ होता है, गांव की याद आती है जब छुट्टियों की बात होता है, और जहां हम रहते हैं वो तो मकान है पापा, कि जहां हम रहते हैं वो तो मकान है पापा, घर तो वो होता है जहां अपनों का साथ होता है। शुक्रिया। एक और लिखी थी ऐसे ही कि न जाने कैसी हवा चली है इस जमाने में, घर तक छोड़ दिया घर के लिए कमाने में, कि न जाने कैसी हवा चली है इस जमाने में, घर तक छोड़ दिया घर के लिए कमाने में, और अपना अपना देखने में न जाने कब तनहा हो गए, कि अपना अपना देखने में न जाने कब तनहा हो गए, चुपचाप बैठ जाते हैं अपने नए तहखाने में, चुपचाप बैठ जाते हैं अपने नए तहखाने में, कि किसी अपने का सहारा बनना यहाँ बोझ लगता है, किसी अपने का सहारा बनना यहाँ बोझ लगता है, यहाँ अपने ही पड़े हैं अपनों को नीचा दिखाने में, और जहाँ जाने के लिए इंतजार रहता है छुट्टियों का, क्यों नहीं जाना वहाँ किसी और के बहकाने में, कि जहाँ जाने के लिए छुट्टियों का इंतजार रहता है, क्यों नहीं जाना वहाँ किसी और के बहकाने में, और क्यों जीना जिंदगी उसके बिना जिन्हें जीना सिखाया, कि क्यों जीना जिंदगी उसके बिना जिसने जीना सिखाया, क्या बुराई है वापस अपने गांव जाने में। शुक्रिया। एक सुनाना चाहूँगा, मैं हंसता बहुत हूँ बोलता हूँ तो उस पर मैंने लिखी थी कि मैंने रोक रखा है अपने आंसुओं को बरसते हुए, एक आधी उम्र काटी है उसके लिए तरसते हुए, कि मैंने रोक रखा है इन आंसुओं को बरसते हुए, एक आधी उम्र काटी है उसके लिए तरसते हुए, जो मुझे इश्क लगता था वो उसे पागलपन लगता था, कि जो मुझे इश्क लगता था वो उसे पागलपन लगता था, देखो मैं रो रहा हूं दर्द अपना हंसते हुए। शुक्रिया। एक कविता है मेरी, से सुनिएगा कि मैं सो जाऊं तो ख्वाब हो तुम, कुछ सोचूं तो वो याद हो तुम, कि मैं सो जाऊं तो ख्वाब हो तुम, कुछ सोचूं तो वो याद हो तुम, जिसे मांगू वो फरियाद हो तुम, महसूस हो रही जज्बात हो तुम, मेरी मीत हो तुम, मेरी प्रीत हो तुम, होठों पे सस्ती गीत हो तुम, मेरा दिन भी तुम, मेरी रात भी तुम, मेरे जीने का अंदाज भी तुम, जिसे पाना वो कोहिनूर हो तुम, जिस इस रांझे की हीर हो तुम, जिसे पाना हो कोहिनूर हो तुम, इस रांझे की हीर हो तुम, मेरी लिखावट की तस्वीर हो तुम, मेरे मेहनत की तकदीर हो तुम, और मुझे कहते हैं अब पागल लोग, कि मुझे कहते हैं अब पागल लोग, मुझे दिखती हो बस तुम ही तुम। शुक्रिया।